जैकेट निकाल दी है थंडर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस जैकेट के अंदर। तो जैसे कि मार्वल थी वैसे ही थंडर भी प्रोटेक्टेड है सीई लेवल 2 आर्मर से, जो कि आपके बैक को प्रोटेक्ट करता है, एल्बोस को प्रोटेक्ट करता है और आपके शोल्डर्स पे भी प्रोटेक्शन देता है। और सीई लेवल 2 की प्रोटेक्शन के साथ आता है ये मटेरियल 600DN जो मार्वल में भी था, जो आपको ठंडा भी रखता है प्लस साथ में गिरते हुए आपको बचाता भी है। और जिपर्स तो वैसे ही टॉप इन द लाइन YKK जिपर्स यूज करता है इस काला, और सेम आगे 2 पॉकेट और एक अंदर छुपी हुई पॉकेट जो हमें लास्ट टाइम पता चली थी यहाँ पे अंदर बहुत बड़ी पॉकेट जो है। उसके बाद अब जैकेट खोल ही लिया तो थर्मल लाइनर, डिटैचेबल थर्मल लाइनर, यहाँ पे मोबाइल पॉकेट, और इस बार एक चीज एड ऑन करी है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट पॉकेट दे दी है या फिर एक बहुत बड़ी पॉकेट दे दी है ताकि आप डॉक्यूमेंट्स या फिर वॉलेट वगैरह आराम से रख सको अंदर। और प्लस साथ में 3M रिफ्लेक्टिंग टेप लगी हुई है ताकि रात को विजिबिलिटी बनी रहे, और अंदर और बाहर 2 की कैचर्स मिलते हैं इजीली कीज टांगने के लिए, प्लस साथ में वेस्ट पे वेलक्रोज मिलते हैं वेस्ट पे टाइट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं अब क्या क्या एडेड फीचर्स हैं इस जैकेट के। सबसे पहली चीज है रबर PU प्रोटेक्टर्स लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपके मिलते हैं ताकि आपको कोलिजन के टाइम पे फ्रंट साइड से जो भी इम्पैक्ट है वो ये झेल सके। उसके बाद कॉलर पे एक वेलक्रो डाला है ताकि हवा अंदर ना जाए, जब आपने जैकेट पूरी बंद कर रखी है तो हवा भी अंदर नहीं जाएगी, और प्लस ये इतना सॉफ्ट है अंदर से कि कोई इरिटेशन नहीं होती गले पे इसकी वजह से। बाइसेप और फोरआर्म पे वेलक्रोज ऐड हुए हैं तो इन वेलक्रोज से आप कंफर्टेबली अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो इसे। और प्लस एक और एडेड फायदा होता है इससे कि जो आपका एल्बो प्रोटेक्टर है वो एक सिंगल जगह पे जमा रहता है, तो स्ट्रेच एरियाज दिए हैं आपके एल्बो पे और बैक ऑफ द शोल्डर पे ताकि फ्री मूवमेंट रहे आपके हाथों का और शोल्डर का। प्लस इस जैकेट में शोल्डर पे आपको स्टेनलेस स्टील प्रोटेक्टर्स मिलते हैं जो आपको एडेड सेफ्टी देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे हो, इसके अंदर डिटैचेबल रेन लाइनर नहीं है, इसके अंदर ओवर द जैकेट रेन लाइनर है। बेनिफिट्स इसके सोचो। पहली चीज, जैकेट गीली नहीं होगी आपकी, आपके प्रोटेक्टर्स गीले नहीं होंगे। उसके बाद आपको याद है जब मैं दिल्ली के राइड पे था और चित्तौड़गढ़ गया था, मैंने चित्तौड़गढ़ फोर्ट से उतरते ही मैंने पहले सारे राइनर उतारे, वरना इतना बुरा हाल हो गया था, मतलब चित्तौड़गढ़ में मैं बस भाग रहा था। वेल, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा क्योंकि गर्मी हो सर्दी हो या बारिश हो ये हमेशा आपके साथ रहेगा, पीछे एक जिप के अंदर। जैसे ही बारिश हो जिप खोलो, लाइनर बाहर निकालो, पहनो और चलते बनो, इतना इजी है। और यहाँ पे वेलक्रो दे रखा है और अंदर जिप है ताकि पानी बिल्कुल भी अंदर ना जा सके, तो आपकी जैकेट गीली नहीं होगी, आपके प्रोटेक्टर्स गीले नहीं होंगे, आपका थर्मल भी अंदर सेफ है, और प्लस साथ में एक रेनकोट की तरह भी काम कर सकता है। और पूरा टाइम आपके साथ ये राइड में रहेगा, बारिश रुक गई इमिडिएटली उतार दो, वापस पॉकेट के अंदर रख दो, और इनफैक्ट वो पीछे पॉकेट में रहता है तो मुझे लगता है कि शायद एडेड प्रोटेक्शन भी देता होगा। बट खैर, रेन लाइनर का काम प्रोटेक्शन देना नहीं था, प्रोटेक्शन देना होता है पर पानी से प्रोटेक्शन देना होता है। अभी कड़कड़ाती धूप में मैंने आप लोगों के लिए रेन लाइनर पहन रखा है और मुझे वापस चित्तौड़गढ़ वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन क्योंकि मैं इस रेन लाइनर को उतार सकता हूँ ना अभी इसी वक्त, मैं इसे अगले 10 सेकंड तक पहन के नहीं रखूंगा। तो ये सब आता है आपकी थंडर जैकेट में आपको सेफ रखने के लिए, बारिश से भी और कोलिजन से भी। और ये जैकेट सिर्फ 7,500 रुपए की है, 7,499 ओनली। भाई अभी तक स्क्रीन पे क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब करो और जाओ जाके ये जैकेट लेके आओ अपने लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, गेट स्कालाफाइड नाउ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन कीप राइडिंग and be thunder safe.